गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने इसमें पढ़ा किस प्रकार बाबर ने स्टार्ट किया मुगल एम्पायर, मुगल डायनेस्टी, मुगल एम्पायर की स्थापना बाबर के द्वारा की गई, फिर उसके जो सक्सेसर हुए, उत्तराधिकारी हुए, उन्होंने इस एम्पायर को आगे बढ़ाया और एट लास्ट जो है औरंगजेब इस एम्पायर के पावरफुल लास्ट पावरफुल शासक हुए। उसके बाद धीरे धीरे करके शासन व्यवस्था कमज़ोर पड़ती चली गई और इस तरह से मुगल एम्पायर का पतन हो गया। लंबे समय तक शासन करने वालों में, मुगल एम्पायर को चलाने वालों में, यानी रूलर में, आपको बताया कि अकबर और औरंगजेब, जिनका शासन काल जो है वो लंबे समय तक चला था, लगभग 49 ईयर्स तक। आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं इसका। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। चैप्टर 18 है द मुगल एम्पायर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। तो यहाँ का आंसर होगा आपका बाबर। सेकेंड क्वेश्चन है, हु वाज द सन ऑफ बाबर, है ना, और आंसर आपका होगा यहाँ पे सी हुमायूं। थर्ड वन ही वाज मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी, अकबर, बाबर, शाहजहां, हुमायूं, है ना। मोस्ट फेमस रूलर की बात अगर की जाए तो उसमें अकबर का नाम आता है, ठीक है। फोर्थ है, हु बिल्ट द ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ शाहजहां। फिफ्थ, हु आर द लास्ट मुगल एम्परर इन इंडिया, बहादुर शाह, जफर। बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट मुगल एम्परर इन इंडिया। बी में मैच द डेट्स विद द रिग्न ऑफ द फॉलोइंग एम्परर्स सुटेबली। मुगल एम्पायर के रूलर्स का नाम दिया गया है और बताना है इनसे जुड़े हुए ज
जब इन्होंने शासन काल शुरू किया था, जब इन्होंने शासन स्टार्ट किया था, उस ईयर से मैच करना है। फर्स्ट है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। फर्स्ट में बाबर, सेकंड में हुमायूं, थर्ड में अकबर, फोर्थ शाहजहां एंड फिफ्थ इज बहादुर शाह मुजफ्फर। बाबर 1526 इसके सामने वाले का आंसर आप इसको मैच कर लेंगे। 1526 हुमायूं 1555 यहाँ पे होना चाहिए था 1530 जब हुमायूं ने पहली बार गद्दी संभाली थी 1530 में, लेकिन आपके इस ऑप्शन में 1530 कहीं दिया गया नहीं है। सो दोबारा जब उसने शासनकाल संभाला था 1555 में, है ना, जब अपनी गद्दी राजगद्दी वापस पाई थी 1555 में, वही मेंशन किया गया है, तो 1555 यहाँ पे आएगा। थर्ड है अकबर 1556 1556 में शुरू हुआ था अकबर का शासनकाल, है ना, लेकिन स्वतंत्र रूप से जो है 4 साल के बाद इन्होंने अपने हाथ में राज की कमान ली थी, तो 1560 यहाँ पे मेंशन है ना।
थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको यहाँ पे होगा कि अगर आप देखेंगे शासन काल शुरू हो रहा है अकबर का 1556 में, और यहाँ पे आपके ऑप्शन में कहीं पे 1556 नहीं है। तो इसका कारण क्या है कि राजगद्दी तो पे बैठ गए थे या 1556 में, लेकिन सर इनका कामकाज जो है इनके जनरल बैरम खां देखते थे, है ना। और 4 साल के बाद जो है इन्होंने सत्ता पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली। तो 1560 यहाँ पे दिया गया है, जो आपको लिखना है 1560, ठीक है। उसके बाद जहांगीर 1605, जहांगीर 1605, जहांगीर जिनका शासनकाल 1605 में स्टार्ट हुआ था, है ना, और 1605 से 1627 तक इनका शासन था, है ना, मुगल एम्पायर के शासक रहे। और यहाँ पे 1605 मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं शाहजहां 1628, शाहजहां से जुड़ा हुआ है 1666।
1526, उसके बाद हुमायूं 1555 सेकंड बार उनको शासन में गद्दी वापस पाई थी। अकबर 1560 पूर्ण रूप से ये राजा बने थे, है ना, इन्होंने राजकाज अपने हाथ में लिया था पूर्ण रूप से 1560 में। और जहांगीर 1627 इनका लास्ट था, इनकी मृत्यु हुई थी, यानी शासनकाल 1605 में स्टार्ट हुआ और 1627 में समाप्त हो गया। तो ये समाप्ति का है 1627। उसके बाद शाहजहां बीमार पड़े 1666 में, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई। और औरंगजेब जिन्होंने 1658 में राजगद्दी संभाली और 1707 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इस तरह से मैच कर रहा है। आगे है फिल इन, सॉरी नेम दिस मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स के नाम बताने हैं। फर्स्ट जो है सामने फर्स्ट पिक्चर जो है वह ताजमहल का है, है ना। सेकंड आई थिंक रेड फोर्ट है ये, थर्ड शालीमार गार्डन और फोर्थ है जामा मस्जिद, ठीक है। ताजमहल सेकंड, फर्स्ट में ताजमहल, सेकंड रेड फोर्ट, थर्ड शालीमार गार्डन, फोर्थ वन इज जामा मस्जिद। ये पिक्चर दिया गया है मॉन्यूमेंट्स का, इसके नाम आपको बताने हैं, ठीक है। ताजमहल, रेड फोर्ट, शालीमार गार्डन और फोर्थ में जामा मस्जिद। हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, इसके बाद
First one is Babur defeated Dash at Panipat, Ibrahim Lodi. पानीपत के लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था. हुमायूं वाज डिफीटेड बाय डास एट द बैटल ऑफ कन्नौज, शेरशाह सूरी. शेरशाह सूरी डैश एट पानीपत, हेमू. हेमू को हराया. फोर्थ जहांगीर मैरिड नूर जहां. नूर जहां ठीक है. एंड फिफ्थ इज Shahjahan built the Taj Mahal in the memory of his wife Mumtaz Begum. Mumtaz Mahals. Okay. इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स का देख लीजिए एक बार, है ना. फर्स्ट है आपका बाबर डिफीटेड डैश एट पानीपत, इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने. सेकंड हुमायूं वाज डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी इन द बैटल ऑफ कन्नौज. थर्ड बैरम खान डिफीटेड हेमू एट पानीपत. फोर्थ जहांगीर मैरिड नूर जहां. फिफ्थ शाहजहां बिल्ड द ताज महल इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल. तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन था उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. आप लोग इसको घर पे पढ़िए, है ना. और बच्चों चैप्टर फर्स्ट से लेके 18 तक आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है. 1 to 18 आपको पढ़ाया गया, है ना. और जिसमें 12 तक का क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवा दिया है, आप लोगों ने किया है. और 30 to 18 मैंने आपको चैप्टर को एक्सप्लेन किया, आपको बताया, और साथ ही साथ उसका ऑब्जेक्टिव भी करवा दिया गया, ठीक है. तो आप लोग घर पे इसको पढ़ते रहिए, है ना. और हर चैप्टर को घर पे रीड करना ज़रूरी है. जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको घर पे रीड कीजिए, और तभी आपके आप जो है सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी, है ना. और डेट्स जो होते हैं, खासकर जो डेट्स होते हैं हिस्ट्री में, जो ईयर जो मेंशन किया हुआ है उसको आपको ज़रूर याद रखना है, है ना. जैसे बाबर ने कब शुरुआत की थी मुग़ल एम्पायर की, है ना, कब स्थापना की थी, है ना, हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक चला, ये सारे इम्पोर्टेंट डेट्स होते हैं, और इनको भी याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, है ना. क्योंकि हिस्ट्री में डेट बहुत मायने रखता है, और डेट को याद रखना कंपलसरी है, ठीक है. तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तो आज के क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ. थैंक यू.